भारत माता की, भारत माता की, ओम शांति, ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में मंच पर आसीन अतिरिक्त प्रशासिका दीदी बीके जयंती दी, हमारे भारत सरकार के मंत्री रेलवे और फूड प्रोसेसिंग के श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी, गोरखपुर से लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय रवि किशन जी, उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, मंच पर आसीन बहुत सारे विषयों पर जिन्होंने यहाँ पर, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ मंच पर एक से एक विभूतियाँ, और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सारी विशिष्टताएं प्राप्त की हैं। आपने देखा होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, अगर आपने माथुर जी को सुना, सिन्हा जी को सुना, फिर हमने सोलंकी जी को सुना, डॉक्टर मोहित जी को सुना, तो सभी महानुभाव, और हमारे राधेश्याम जी जिन्होंने हम सब का स्वागत किया, और मेहरचंद जी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य में जो अनेक अनेक काम आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी। मैं और पूरे विश्व भर से इस वैश्विक सम्मेलन में पधारे हुए सभी हमारे विद्वानगण, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का और दीदी जिन्होंने बीके अंजलि बहन जिन्होंने इस मंच को और हम सबको एक दूसरे से पूरी तरह से जोड़कर रखा है, एक सेतु का काम कर रही हैं, बहुत शानदार उनके द्वारा यहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। उपस्थित हमारे सभी मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो आप सबका अपनी तरफ से सबका अभिनंदन करता हूँ, और देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। अभी दीदी अंजलि बहन ने बताया कि मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूँ, और उत्तराखंड राज्य जिसको देवों की भूमि कहा जाता है और जिनके हर कण कण में शंकर का वास है, हमारा प्रदेश जहाँ एक ओर प्राकृतिक रूप से सुरम्य है, वहीं आध्यात्मिक रूप से भी विशिष्ट भी है, और विश्व के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग उत्तराखंड में आकर, देवभूमि में आकर स्वयं की खोज करते हैं, यानी स्वयं को साधना में लगाते हैं, अपना शोधन करते हैं, हर दृष्टि से अपने को पाने का प्रयास करते हैं। जैसा अभी मोहित जी ने यहाँ पर, डॉक्टर मोहित जी ने कहा, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत भी वो कोशिश करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड से करें, और ऐसे प्रदेश से आकर जहाँ कभी कभी मुझे लोग पूछते हैं कि देवभूमि में कितने देव स्थान हैं या कितने प्रसिद्ध स्थान हैं, तो मेरा एक ही उत्तर होता है कि देवभूमि जिधर भी आपकी नज़र जाएगी हर स्थान देवों से आच्छादित है, हर स्थान हमारा पर्वतों से आच्छादित है, हर स्थान वनों से आच्छादित है, हर स्थान हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, और ऐसे देवभूमि से आकर
आप सबके बीच में इतने बड़े वैश्विक सम्मेलन में आप सबके कार्यक्रम से जुड़ना तथा आध्यात्मिक शक्ति और शांति से ओतप्रोत इस परिसर में आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए भी और यहाँ आए हुए सभी के लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं बहुत सालों से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इनके संस्थानों में मैं जाता रहा हूँ, लगभग 15-16 साल से मैं जा रहा हूँ, और बहुत सालों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी, एक विधानसभा के सदस्य के रूप में भी, और अब उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में भी। बहुत बार मुझे संस्थान के लोग मुझे कहते थे कि आप माउंट आबू आइए और वहाँ पर बहुत दिव्य हमारा संस्थान है, वहाँ जाकर आपको बहुत अच्छा मिले, बहुत अच्छा लगेगा और बाबा की कृपा प्राप्त होगी। तो मैं सोचता था बहुत बार, राहुल जी मैं कई बार माथुर साहब मैंने सोचा कि मैं ज़रूर जो है जाऊँ, मन में बहुत इच्छा हुई। और ऐसे ही बगल में सालासर बाबा जी, वहाँ भी बहुत सारे हमारे मित्रगण कहते थे कि आपको आना चाहिए, एक बार दर्शन करने चाहिए। और मन में इच्छा भी थी, रवि भाई आप तो स्वयं बाबा की धरती से आए हो। तो बहुत बार प्रयास किया और मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, मैं समझता हूँ एक अनुभव भी है, और आपके साथ भी, और आपके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ होगा कि अचानक ऐसा कार्यक्रम बना और हमारे मेहरचंद जी और नीलम दीदी और ये लोग सब, रक्षाबंधन के दिन हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था और ये हमारे विधानसभा में आए, मुझे इन्होंने रक्षा सूत्र बांधा, और उस दिन मेहरचंद जी ने कहा कि इस बार आपको अवश्य चलना है हमारे साथ। और एक उमेश भाई जी थे, वो बहुत सालों से कहते थे, मुझे उनका भी ध्यान आया, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। और सारा उपक्रम इस प्रकार से बन गया कि मैं यहाँ पहुँच गया और सालासर बालाजी के भी दर्शन हो गए और आप सबके भी दर्शन हो गए, बाबा जी के इस पवित्र स्थान पर भी आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मेरा कहने का आशय है कि मोहित जी ने तो बहुत ही अच्छा कहा कि स्वयं को खोजना है, आज से नए दिन की शुरुआत करनी है, वास्तव में उनके बड़ा प्रेरक था। लेकिन सच में ऐसे स्थान पर वही आ पाता है जिस पर बाबा की कृपा होगी या बाबा उनको बुलाएगा। और आप सब जितने लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, जितने लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, उन सब पर बाबा की कृपा है, इसीलिए सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मैं कल सच बताऊं तो आज मैं भी इस स्थान पर कोई बहुत ओरेटर बन के या भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। बिट्टू जी कह रहे थे कि मुझे आपको सुनना है, हमारे रवि भाई कह रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी आता हूं, क्योंकि हम लोग सब लोग एक साथ काम करते हैं तो भाइयों जैसे हम लोगों के संबंध हैं, हम लोगों के आपस में इस प्रकार के रिश्ते हैं। तो मैं सच बताऊं तो आप लोगों के बीच में मैं भी आज एक जिज्ञासु बनकर आया हूं। और मैं सौभाग्य से कल सायंकाल से ही आप सबके बीच में हूं, और यहां आने के बाद मुझे अपने भीतर भी एक विशिष्ट प्रकार की आत्मिक शांति की जो है अनुभूति हो रही है। इसके पीछे का कारण परमपिता परमात्मा का असीम आशीर्वाद भी है और इस स्थान की महत्ता भी है, और राजयोगिनी दीदी माँ रतन मोहिनी जी से जो स्नेह यहाँ पर मिलता है वह भी इसका एक बड़ा कारण है। हम सबके लिए गर्व का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ ही परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त भारत की भूमि से उपजा हुआ यह संस्थान विश्व के कोने कोने में, आज विश्व के अनेक देशों में आज शांति और सद्भाव और मानवता का संदेश देने का काम कर रहा है। सच में लोगों को, उनको स्वयं को खोजने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। मैं आज यहाँ स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण में आध्यात्मिकता की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए आया हूँ। हम इन मूल्यों को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, कैसे एकीकृत कर सकते हैं, ताकि सभी के लिए हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का, बेहतर परिवेश का
निर्माण कर सकें। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने महत्वपूर्ण विचार आप सबके समक्ष रखे हैं, इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं बोलूँगा, पर मैं आज के इस अवसर पर आपके माध्यम से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जो इसका विषय भी रखा है कि भारतीय जीवन दर्शन का सार है वसुधैव कुटुंबकम। आज जब पूरा विश्व, अभी माथुर जी बहुत शानदार यहाँ से बोल रहे थे और वही मैं भी सोच रहा था कि आज विश्व पूरा विभिन्न युद्धों से घिरा हुआ है और लोग वास्तव में तृतीय विश्व युद्ध होने की आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें कहा गया है अयम निजम परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्रानाम वसुधैव तो कुटुंबकम का संदेश। ये विश्व की शांति के लिए केवल एक शांति का उपदेश नहीं है, बल्कि वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में एक अनिवार्यता है जिसे अगर आज हम समझ जाएं तो बहुत अच्छा है, और जिसको आज हम नहीं समझेंगे तो कल हमको अवश्य ही इसको समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार का आज आपाधापी का काल है, इस युग में सार्वभौमिक रूप से भाईचारे की और परस्पर जुड़ाव का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। भाइयों बहनों, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमने बहुत सारी सुख सुविधाएं अपनी दुनिया तो बना ली है, परंतु इस भौतिक प्रकृति की खोज में हम सच में जो हमारी सच्ची खुशी है वो और आंतरिक जो शांति है उसको भूल गए हैं। और सोलंकी जी, आपने बहुत विस्तार से इसको बताया, सच में हमारा प्रयास होगा कि आगे चलकर किसी न किसी रूप में, और क्योंकि ये काम हमने शुरू किया है अभी उत्तराखंड में, उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहाँ पर हमने GEP लागू किया है, क्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट की हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना हम विकास कर रहे हैं और उसके लिए हम क्या कीमत चुका रहे हैं। और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में कैसे संतुलन बना रहे, जो आपने कहा कि धरती की एक सीमा है, और वास्तव में वो सीमा जब क्रॉस होती है तो प्रकृति जब भी उसके साथ जोर जबरदस्ती होती है तो प्रकृति किसी न किसी रूप में हम रिएक्शन करती है। मेरा मानना है कि यहीं पर जो आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता है और जिस प्रकार का हमारा ओम शांति के सभी लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार से ये नई टेक्नोलॉजी हमें भौतिक सुख प्रदान करती है, उसी तरह आध्यात्मिकता हमें आंतरिक शांति प्रदान करती है तथा हमारे शरीर मन और आत्मा के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन बैलेंस बनाने का काम करती है। और वर्तमान की जो भागदौड़ भरी दिनचर्या में जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं, संस्कार हैं और आत्मप्रबंधन जैसे अनेक महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, वो हमारे ब्रह्म कुमारी संस्था जो लोगों का पथ प्रदर्शित कर रही है और पूरे विश्व के अंदर करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। और ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी सभी बहनें और भाइयों द्वारा अध्यात्म और जीने की कला से जुड़े अनेक कठिन विषयों को जिस प्रकार से बहुत ही सामान्य शब्दों में, या मैं कहूँ कि बहुत सरल शब्दों में लोगों को बताया जाता है, उनको समझाया जाता है, उनके अंदर ये भाव डाले जाते हैं, उससे आम जनमानस में भी आसानी से इन विषयों को समझकर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन से आने वाले जो सकारात्मक बदलावों को सच बताऊं तो ये जो इस प्रकार के बदलाव हैं, ये मैंने स्वयं अपने जीवन में भी इसको बहुत नज़दीक से अनुभव किया है। और आध्यात्मिकता को मैं एक गहरी व्यक्तिगत यात्रा के रूप में भी देखता हूं, जो हमें स्वयं के भीतर झांकने, ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने
और सभी जीवित प्राणियों के लिए करुणा और सम्मान जैसे जो मूल्य हैं उनको अपने अंदर विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक और चिंतनशील बनता है तो वह अपने आसपास के परिवेश को, पर्यावरण को और सभी प्राणियों को, उनके प्रति भी उसके मन में एक जिम्मेदारी का भाव आता है, उसको वो जीने लगता है और महसूस करने लगता है। जब हम आध्यात्मिकता को अपने अस्तित्व के एक भागीदार के रूप में देखने लगते हैं तो हमारा मन स्वतः ही स्वच्छ और स्वस्थ होने लगता है और हमारा जो भी संकल्प होता है वो संकल्प भी मजबूत होता है। हमें यह समझ आने लगता है कि वास्तव में ये आध्यात्मिकता जीवन की एक आवश्यकता नहीं है। ये केवल आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर साहब ने बता दिया, हम अपने कुछ लोगों के कहने से करना शुरू कर दिया। मैं यही कहूँगा कि यह जीवन की आवश्यकता नहीं है बल्कि जीवन की अनिवार्यता है। भाइयों बहनों, आध्यात्मिकता ही वो शक्ति है जो समाज को बाहरी और भीतरी रूप से स्वच्छ रखने के साथ साथ मानसिक और शारीरिक दबावों को सहने का सामर्थ्य भी प्रदान करती है। स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण केवल आधुनिक तरीके और कानूनों से भी संभव नहीं है कि केवल हम कानूनों से और अन्य तरीकों से इसको जो है कर पाएं, बल्कि इस लक्ष्य को जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को शामिल करके ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि हम अपने जीवन के हर पहलू में इसको जब शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसको पूर्णता की ओर प्राप्त होंगे। आज हम बहुत सारे जलवायु परिवर्तन जैसे विषय हैं, एकदम से जब जिस समय बरसात का मौसम नहीं होता है उस समय बरसात हो जा रही है, जब सर्दी पड़नी चाहिए सर्दी पड़ रही है। अगर इस साल अगर आप देखेंगे तो आप सब लोगों ने महसूस किया होगा कि जो पिछले साल जितनी गर्मी थी उससे ज़्यादा टेम्परेचर इस साल बढ़ा है। और हमारी जो ब्रह्म कुमारी संस्था है, इसमें इनके द्वारा जो प्रदान किया जाने वाला राजयोग ही हमें अत्यंत आवश्यकता है। और राजयोग के जो प्रणेता है स्वयं योगीधिराज भगवान शिव थे। अध्यात्म का स्वरूप और प्रभाव इतना बृहद है कि हम जितनी भी इसकी चर्चा करें इसके लिए तो पूरा जीवन लग जाता है। कुछ ही समय में, कुछ मिनटों में इसकी चर्चा वास्तव में उस प्रकार से नहीं हो सकती है। पर आज के अवसर पर मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता ही वो डोर है जो हमें और हमारे समाज को आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों रूपों में स्वस्थ स्वच्छ बनाने में सहायक है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह बृहद सम्मेलन आप सभी के विचारों और सहभागिता द्वारा एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज के विकास और जीवन में आध्यात्मिक उत्थान के लिए नए आयाम स्थापित करने में अवश्य ही सफल होगा। और निश्चित रूप से मैं आज पहले से, हमारे मेहर भाई ने मुझे कहा था कि हमको जो है यहाँ पहुँचकर पांडव भवन और माउंट आबू एवं ज्ञान सरोवर भी जाना था, लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं आप सबसे ज़रूर कह रहा हूँ कि अगली बार मैं फिर पुनः यहाँ आऊँगा और सभी अपने साथियों के साथ पांडव भवन है ज्ञान सरोवर की यात्रा भी करूँगा, ताकि ये जो हमारी पवित्र स्थली है शक्ति और दिव्यता, इसका भी हम गहराई से अनुभव कर पाएंगे। अंत में आप सभी से कहना चाहता हूँ, ब्रह्म कुमारी का ये कार्य सिर्फ सेवा नहीं है बल्कि कल शाम को हम लोग जब मैं और महेंद्र भट्ट जी शाम को काफ़ी सत्संग हमने किया तो एक बात समझ में आई कि ये एक नवयुग से, नवयुग यानी कलयुग से सतयुग की पुनर्स्थापना का महान कार्य है। और कल रात्रि को ही हमारी मुलाकात वरिष्ठ राजयोगिनी दादी रतन मोहनी जी से भी, मुख्य प्रशासिका ब्रह्म कुमारी से भी हुई, जिनसे मिलकर बहुत ही प्रेरणा मिली और बहुत खुशी हुई। अंत में आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का मुझे भी सौ अवसर देने के लिए
मैं आप सबका दिल से और राजयोगिनी दादी माँ का और समस्त परिवार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।